हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की बड़ी खबर, बिहार बोर्ड ने रद्द की 3 केंद्रों की अंग्रेजी परीक्षा, लॉकर ना खोलने से छात्र मायूस। जी हां, सिवान में शनिवार की सुबह उस समय अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब सिंहौता बंगरा उच्च विद्यालय, उमाशंकर उच्च विद्यालय व अनुग्रह नारायण उमाशंकर सिंह महिला महाविद्यालय मैट्रिक परीक्षा केंद्र के लिए प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लेने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में पहुंचे। बैंक के कर्मचारियों द्वारा बैंक का लॉकर खोलने का प्रयास किया गया तो बैंक का लॉकर नहीं खुला। एसडीओ ने तुरंत इसकी सूचना जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे व बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दी। अंत में लॉक नहीं खुलने पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लेते हुए तीनों केंद्रों पर आयोजित होने वाले प्रथम पाली की परीक्षा को रद्द करते हुए 9 मार्च को पुनः परीक्षा कराने की घोषणा की गई। अगली बड़ी खबर, फर्जी निकला सोशल मीडिया में वायरल अंग्रेजी का पर्चा, महज अफवाह पर मच गया हंगामा। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में सामाजिक विज्ञान का पर्चा लीक होने के बाद शनिवार को अंग्रेजी का पर्चा वायरल होने से बवाल मच गया। पटना के AN कॉलेज के पास छात्रों ने सड़क पर उतरकर जमकर उत्पात मचाया। एक दर्जन से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। कई राहगीरों के साथ बदसतुल्की की। इतना सब हो जाने के बाद पता चला कि असल में जो पर्चा सोशल मीडिया में वायरल हुआ था वो आज आयोजित अंग्रेजी की परीक्षा का था ही नहीं, पर्चा फर्जी निकला। आपको बता दें कि 10वीं मैट्रिक परीक्षा को लेकर शनिवार को प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह फैलाने की कोशिश की गई। सुबह से ही मैट्रिक परीक्षा का एक प्रश्न पत्र वायरल कर दिया गया जिसे असली प्रश्न पत्र बताया जा रहा था। हालांकि जांच में इस प्रश्न पत्र के फर्जी होने की बात सामने आई है। बिहार मैट्रिक परीक्षा में पेपर लीक पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर कसा तंज, कहा बच्चों का भारी नुकसान। जी हां, बिहार में मैट्रिक परीक्षा में पेपर लीक को लेकर तेजस्वी ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर तंज कसा है। तेजस्वी ने एक वीडियो जारी करते हुए ट्वीट करके कहा कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार गहरी निंद्रा में है। हमेशा हमें सरकार को बताना पड़ता है कि ऐसा हुआ है, प्रतिभाशाली और गरीब बच्चों का भारी नुकसान हो रहा है। बिहार बोर्ड के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा होता है लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगली बड़ी खबर, बिहार मैट्रिक परीक्षा का प्रश्न पत्र स्टेट बैंक से लीक। जी हां, बिहार बोर्ड ने शुक्रवार को पहली पाली में ली गई मैट्रिक की सोशल साइंस विषय की परीक्षा को रद्द कर दिया है। पहली पाली का पेपर परीक्षा शुरू होने के पूर्व ही वायरल होने के कारण बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। रद्द हुई परीक्षा फिर से 8 मार्च को ली जाएगी। इस परीक्षा में 8 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था। पेपर लीक करने के संबंध में जमुई जिले के झाझा स्थित SBI की झाझा शाखा के 3 कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट में झाझा SBI के संविदा कर्मी विकास कुमार की संलिप्तता पाई गई है। उसने बैंक से ही प्रश्न पत्र का फोटो खींच कर मैट्रिक परीक्षा दे रहे अपने एक रिश्तेदार के व्हाट्सएप पर परीक्षा शुरू होने के पहले ही भेज दिया था। इसके अलावा उसने अन्य किसी को यह प्रश्न पत्र भेजा है, इसकी पुलिस जांच कर रही है। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने निर्देश दिया है इस मामले में जो भी सरकारी या निजी व्यक्ति सम्मिलित पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तारी भी होगी। बड़ी खबर, बिहार में इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिकल से ITI करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, नौकरी देगी नीतीश सरकार। जी हां, बिहार में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, डीजल मैकेनिक, वेल्डर या अन्य किसी ट्रेड से ITI करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार के सभी सरकारी ITI का सर्टिफिकेट अब देश भर में मान्य होगा। केंद्र सरकार ने NCVT की मान्यता दे दी है, इससे स्टूडेंट को काफी फायदा होगा। बिहार के सभी 149 सरकारी ITI को केंद्र सरकार से मान्यता दे दी गई है।
बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि अब जो भी छात्र बिहार के इन कॉलेजों से पास होंगे उनकी डिग्री की मान्यता देश भर में होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसका फायदा छात्रों को देश और विदेशों में मिलेगा। छात्रों को ऑन जॉब ट्रेनिंग दिलवाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और वर्तमान बाजार मांग के अनुरूप अन्य लोकप्रिय व्यवसाय शुरू किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि 9 जिलों में एक एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की गई है। इन 9 संस्थानों में 5 भवन तैयार हो चुका है। इस योजना अंतर्गत सभी ITI के कुशल प्रबंधन के प्रावधान के अनुरूप संस्थान प्रबंधन समिति का गठन भी किया गया है। बड़ी खबर, सीएम नीतीश ने पीएम मोदी से की बड़ी मांग, देश भर में बिजली का दाम एक करने को कहा। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश भर में बिजली का दाम एक रखने की मांग की है। शनिवार को नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने वन नेशन वन रेट की मांग की है। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में बिहार ने कई काम शुरू किए, हर घर बिजली पहुंचाने की योजना बनाई और सभी लोगों तक बिजली पहुंचा दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर बिजली पहुंचाने में केंद्र सरकार की भी काफी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि साल 2018 के अक्टूबर महीने में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। उन्होंने कहा कि बिहार में NDA को साल 2005 में काम करने का अवसर मिला है। अगली बड़ी खबर, गुजरात और महाराष्ट्र जा रहा है बिहार का पैसा, नीतीश ने पीएम मोदी से की शिकायत, बोले बैंक वाले लोन नहीं दे रहे हैं। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैंकों की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि बैंक वाले बिहार को उचित लोन नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण राज्य का विकास नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से कहा कि बिहार जैसे जो राज्य का पैसा जो बैंकों में जमा होता है, वे पैसा विकसित राज्यों में चला जाता है, बिहार का पैसा बिहार में ही देने का प्रावधान किया जाए। यानी जो बिहार का पैसा है वह महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों में जा रहा है। अगली बड़ी खबर, बिहार के 400 मुखिया के लिए बुरी खबर, DM को अरेस्ट करने का निर्देश, नहीं बचेंगे घोटालेबाज। बिहार पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले सैकड़ों मुखिया के लिए बुरी खबर है। दरअसल नीतीश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। बिहार के पंचायती राज विभाग के अनुसार नल जल योजना को कार्य पूरा नहीं करने वाले मुखिया और वार्ड सदस्यों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जिन पंचायतों में काम अधूरा है, उन पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को अगले पंचायत चुनाव लड़ने में कठिनाई हो सकती है। पंचायती राज विभाग इसकी सूची बना रहा है कि किन किन जिलों के मुखिया और वार्ड सदस्यों ने इस काम को नहीं कराया है, इस बार उनके पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी। बड़ी खबर, ओवरलोडिंग और विशेष मास्क जांच अभियान की शुरुआत, नियमों का उल्लंघन करने पर 563 लोगों पर की गई कार्रवाई। जी हां, मुख्य सचिव के निर्देश पर ओवरलोडिंग और विशेष मास्क जांच अभियान की शुरुआत की गई। जिला पदाधिकारी की टीम द्वारा सभी 38 जिलों में यह अभियान चलाया गया। इस बात की जानकारी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि बिना मास्क लगाए बस और ऑटो में यात्रा करने पर कंडक्टर, ड्राइवर और यात्रियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं ओवरलोडिंग किए जाने पर वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। कल नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 563 लोगों पर कार्रवाई की गई है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर मास्क लगाने की अपील की गई और मास्क लगाने के फायदे भी बताए गए। पटना के लाल ने किया कमाल, ईशान किशन ने लिस्ट एक क्रिकेट में झारखंड को दिलाई सबसे बड़ी घरेलू जीत। BCCI की विजय हजारे ट्रॉफी चैंपियनशिप से शनिवार को बिहार के लिए एक अच्छी तो एक बुरी खबर सामने आई है। बुरी खबर यह है कि इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेल रहे बिहार को करारी हार का सामना करना पड़ा। रेलवे ने उसे 10 विकेट से रोन दिया। अच्छी खबर यह है कि पटना के लाल ने भारतीय घरेलू वनडे में किसी टीम को सबसे बड़ी जीत दिलाई है। सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली टीम झारखंड है और इस जीत के हीरो रहे पटना के ईशान किशन। ईशान झारखंड की टीम से खेलते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में ईशान झारखंड के कप्तान हैं। वे बाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेट कीपर हैं। गेंदबाजी भी करते हैं। झारखंड ने विजय हजारे ट्रॉफी में शनिवार को मध्य प्रदेश को 324 रन से हरा दिया। ईशान किशन के तूफानी शतक की बदौलत झारखंड ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 422 रन बनाए। ईशान ने 173 रन की धुआंधार पारी खेली।
बड़ी खबर, बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में मार्च में चलेगा नामांकन अभियान। जी हां, बिहार के करीब 72,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में मार्च में नामांकन अभियान चलेगा। अभियान कब से कब तक चलेगा यह इसी माह के अंतिम समता बैठक में तय कर लिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कल घंटे भर यूट्यूब लाइव के दौरान जुड़े शिक्षा अधिकारियों एवं हेडमास्टरों को नामांकन अभियान की विस्तृत जानकारी दी। इस अभियान के लिए क्या क्या तैयारी की जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए, इसकी भी जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि नामांकन के बाद सबसे अधिक एडमिशन लेने वाले बच्चों की जानकारी के आधार पर संबंधित डीओ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, हेडमास्टर और सीआरसीसी को अलग अलग स्तरों पर शिक्षा विभाग द्वारा सम्मानित किया जाएगा। 116 करोड़ के लागत से तैयार पटना हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन 27 फरवरी को। जी हां, पटना हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे 27 फरवरी को करेंगे। इस अवसर पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल सहित हाईकोर्ट के सभी जज उपस्थित रहेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। नई बिल्डिंग में कोर्ट रूम, जजों के चैम्बर के अलावा पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। 4 फरवरी 2014 बसंत पंचमी के दिन नए भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेखा एम दोषित की उपस्थिति में हुआ था। बड़ी खबर, सोना फरवरी में 3292 रुपये तक हो चुका है सस्ता, चांदी भी हुई कमजोर। जी हां, फरवरी में जनवरी के मुकाबले सोने के रेट में 3292 रुपये की गिरावट आई है, जबकि इसी अवधि में चांदी 1312 रुपये सस्ती हुई है। अगर सोने के ऑल टाइम हाई रेट की तुलना करें तो गोल्ड अभी भी 10153 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता है। वहीं चांदी पिछले साल के अपने उच्चतम मूल्य से 7594 रुपये प्रति किलो तक सस्ती हो चुकी है। वायुसेना में 255 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। जी हां, भारतीय वायुसेना में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छा अवसर है। IAF ग्रुप सी के 255 पदों पर भर्ती के लिए वायुसेना ने योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। IAF ग्रुप सी भर्ती के तहत विभिन्न पदों पर मौजूद रिक्तियों को भरा जाना है। अभ्यर्थियां ध्यान रखें कि आवेदन की आखिरी तारीख 13 मार्च 2021 है। योग अभ्यर्थी IAF की वेबसाइट indianairforce.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तक होना चाहिए और शैक्षणिक योग्यता, मल्टीटास्किंग स्टाफ, हाउसकीपिंग, मेस स्टाफ के लिए 10वीं पास होना चाहिए। वहीं LDC क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट के लिए 12वीं पास या समक्ष योग्यता होनी चाहिए। और अंत की बड़ी खबर, 1 मार्च तक फ्री में लगवाएं फास्टैग। जी हां, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शनिवार को कहा कि देश भर में टोल प्लाजा पर डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए लगाया गया फास्टैग पेमेंट का इस्तेमाल देश भर में 23.2% पर पहुंच गया है। NHAI ने शनिवार को एक ट्वीट करते हुए बताया कि कुल लेनदेन की संख्या 63 लाख को पार कर गई है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि फास्टैग के जरिए टोल संग्रह 102 करोड़ प्रतिदिन पहुंच गया है। NHAI ने कहा कि 1 मार्च तक सभी टोल प्लाजा पर फ्री में फास्टैग लगाए जा रहे हैं। बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट टोल प्लाजा पर 100% फास्टैग सिस्टम लागू कर चुकी है। अब अगर आप बिना फास्टैग के टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो आपको डबल टोल देना होगा। आज के लिए आपका सवाल, बताएं कि विश्व के सबसे छोटी चिड़िया का क्या नाम है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।